बॉलीवुड के तीनों खान फिर एक होने के लिए तैयार। किंग खान, दबंग खान और मिस्टर परफेक्ट बड़ी स्क्रीन पर जल्द जलवागर होंगे। आमिर खान ने तीनों खान की एक साथ एंट्री की तस्दीक कर दी। बॉलीवुड खान्स के कैरियर को 25 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। वो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखते हैं। दुनिया भर में मौजूद मद्दाह तीनों खान्स की फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। गुज़श्ता कई साल से ये खबर जेरे गर्दिश थी कि तीनों खान्स जल्द ही किसी फिल्म में एक साथ नजर आएंगे। अब आमिर खान ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आमिर खान ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में शिरकत की, जहां अदाकार से सवाल किया गया कि वो शाहरुख खान और सलमान खान के साथ मुश्तरका फिल्म बना रहे हैं। इस सवाल के जवाब में आमिर खान ने कहा कि मैंने हाल ही में शाहरुख और सलमान खान से मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि हम तीनों कई सालों से एक ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर हमने इस दौरान एक साथ फिल्म नहीं बनाई तो ये हमारे करोड़ों मद्दाहों के साथ नाइंसाफी होगी। आमिर खान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैंने उनसे कहा कि हमारी एक साथ एक फिल्म तो बनती है। अदाकार ने कहा कि हम तीनों हमारी मुश्तरका फिल्म के लिए जबरदस्त कहानी और स्क्रिप्ट की तलाश में हैं। हम बहुत जल्द अपने मद्दाहों की ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सलमान और शाहरुख खान के साथ दोस्ती का गहरा रिश्ता कायम है, जबकि सलमान भाई तो मुझे तोहफे में कपड़े भी देते हैं।